नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अकली ऑडियो वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। मुख्य रूप से हमने गुप्ताज पीरियड के बाद अगर हम बात करें तो हमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें कि क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि प्राचीन काल में एंशंट इंडिया में जो फेमस फेमस विदेशी आक्रमणकारी थे, है ना, फॉरेन इन्वेडर्स थे, उसके बारे में जान जाए जरा। ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं तरीके से बताऊं, 500 AD से BC से लेके 500 AD के बीच में करीब 1000 साल में प्राचीनतम भारत के बिल्कुल शुरुआत में कौन कौन आक्रमणकारी आए, तो सबसे पहले भारत में आक्रमण किया ईरानियों ने, या जिसको फारसी बोलते हैं आप, ठीक है। उसके बाद यूनानी आए, फिर इंडो ग्रीक आए, फिर पार्थियन आए या जिसे पल्लव कहते हैं, उसके बाद शक्स आए, शक, है ना, उसके बाद कुशांस आए और लास्ट में हूण आए। समझ गए? इनको फटाफट देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ईरानी आए। सबसे पहले जो ईरानी व्यक्ति जो भारत में जिसने आक्रमण किया था उसका नाम था कुरूश। क्या नाम था? कुरूश, जो हकमानी डायनेस्टी का रूलर था, हकमानी वंश का शासक था, और इसने भारत के सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में हमले किए। और इसने सबसे पहले जो सिक्का चलाया वो था सिगलोई कॉइन, सिगलोई सिक्का, जो कि इंडिया में चलने वाला पहला कॉइन था। ठीक हो गया, सिगलोई। इसके बाद इंडिया में अटैक हुआ यूनानियों का, ग्रीक्स का। किसका हुआ? यूनानियों का। और इसका रूलर कौन था सब जानते हैं आप लोग, सिकंदर, सिकंदर महान, 326 BC में, ठीक है, इंडिया आया था ये और पंजाब के पास युद्ध लड़के चला गया ये। सिकंदर जो था ये मेसिडोनिया का शासक था। इसके पिता का नाम फिलिप सेकेंड था। इसने पूरी दुनिया को जीतने का एम रखा था। इसका जो गुरु था वो था अरस्तु, एरिस्टोटल, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त काम था। ये 326 में इंडिया आया था और हिंदू कुश पर्वत के रास्ते से कंधार होते हुए भारत में प्रवेश किया था इसने। और इसका पहला मुकाबला तक्षशिला में हुआ था। तक्षशिला का शासक था आम्भी। कौन था? आम्भी। आम्भी इससे हार गया। फिर सिकंदर आगे चला और पौरव के शासक पोरस से इसका युद्ध हुआ। किससे युद्ध हुआ? पोरस से। ये युद्ध वितस्तता युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वितस्तता नदी किनारे पे इस युद्ध में पोरस हार गया, लेकिन सिकंदर उसकी वीरता से बड़ा प्रभावित हुआ और वह अंत में उसको उसका राज्य लौटा के वापसी चला गया और 323 BC में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, लौटते समय मतलब 323 BC में इसकी डेथ हो गई थी। जिस समय सिकंदर ने इंडिया में आक्रमण किया था उस समय मगध डायनेस्टी का रूलर था घनानंद। क्वेश्चन आ जाता है कि उस समय मगध में किसका शासन था? घनानंद, ठीक है। और घनानंद से डर भी गया था वो, बिकॉज बड़ा फेमस था कि घनानंद के पास भयंकर सेना थी उस समय माना जाता है, और सिकंदर शायद उसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसकी आर्मी उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी और वो व्यास नदी को पार नहीं कर पा रही थी। ठीक है, जब यहाँ से वापसी लौटा वो तो फिर काम खत्म, डेथ होगी उसकी। अगले आक्रमणकारी भारत में आए यवन, बैक्ट्रियन बोलते हैं जिसको, बैक्ट्रिया का शासक सेल्यूकस निकेटर, जिसने कि चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया, हार गया। ठीक है, हारने के बाद अपनी बेटी की शादी कर दी हेलेना से, चंद्रगुप्त मौर्य की। और इसने अपना दूत मेगस्थनीज भी भेजा था, जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये तो पहला बैक्ट्रियन था, कई बैक्ट्रियंस ने हमले किए हैं। ये हो गया, ये 305 BC की घटना है। इसके बाद 165 BC के अराउंड, हाँ 165-160 BC के अराउंड में मिनेंडर ने भारत पर अटैक किया। ये दूसरा बैक्ट्रियन रूलर था जिसने हमला किया भारत पर, मिनेंडर। इसके बारे में हमें पता लगता है नागसेन की रचना मिलिंद पन्नों से। किससे पता लगता है? मिलिंद पन्नों। ठीक है, नेक्स्ट। इसने सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत में सोने के सिक्के चलाए, इसी ने, मिनेंडर ने, है ना, यवन ने, ग्रीक्स ने इंडिया में सबसे पहले कॉइन्स चलाए। मैंने कल आपको कॉइन्स वाला सिस्टम अच्छे से बताया हुआ है ना। अच्छा, अगला देखते हैं। तो अगला आक्रमणकारी है पार्थियंस। कौन आए? पार्थियंस, या जिसको पल्लव भी बोलते हैं आप लोग। इसका संस्थापक था माउस। कौन था? माउस। ठीक है, इस जो वंश का सबसे फेमस जो रूलर हुआ वो था गोंदोफर्नीज। कौन था? गोंदोफर्नीज। इसके काल में ही सेंट थॉमस नाम के एक बहुत बड़े ईसाई जो धर्म प्रचारक थे वो इंडिया में आए। सेंट थॉमस जो स्कूल वगैरह आप लोग सुनते हैं ना, वही, और जिसकी हत्या मद्रास के आसपास कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद जो अगला रूलर आया, अगले विदेशी आक्रमणकारी आए, वो थे शक। कौन से? शक। इंडिया में इनको शक कहा जाता है और विदेशों में सिथियन कहा जाता है। ठीक है, इसका एक बड़ा फेमस शासक हुआ था नहपान, और दूसरा एक्टर हुआ था तगड़े वाला। कौन? रुद्रामन।
कौन था? रुद्रामन। रुद्रामन बहुत फेमस है, इसके बारे में कई जूनागढ़ अभिलेख से पता लगता है, गिरनार अभिलेख से पता लगता है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से हारा था, उसी ने भगाया था इसको, ठीक है। अगला जो रूलर आया कौन था वो? कुषाण। कौन थे? कुषाण। ये चाइना की एक यूची ट्राइब थी, चाइना की यूची जनजाति थी जिसके, और इंडिया में कुषाणों का फाउंडर था कुजूल कडफिसेस। कौन था? कुजूल कडफिसेस। इसके एक बड़ा फेमस रूलर हुआ बिम कडफिसेस। इसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने, मतलब कुषाणों के ना जो गोल्ड क्वालिटी थी थोड़ी बेटर थी, तो इसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए कुषाणों के अंदर। इस कुषाणों में सबसे फेमस रूलर जबरदस्त हुआ कनिष्क। कौन हुआ? कनिष्क। और इसकी जो राजधानी थी वो एक तो थी पेशावर और एक थी मथुरा। उस समय पेशावर को पुरुषपुर बोलते थे। डन हो गया। देखिए कनिष्क के टाइम में ही आखिरी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी वाली है ना, फोर्थ बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव जिसको बोलते हैं। अश्वघोष इसमें अध्यक्ष भी था और अश्वघोष ने राज तरंगिणी में कनिष्क का पूरा जिक्र किया हुआ है, ठीक है। सॉरी अश्वघोष की राज तरंगिणी नहीं है, गलत बोल दिया मैंने, कल्हण की थी वो। अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित में, ठीक है ना, कौन सी थी? बुद्ध चरित। अश्वघोष को भारत का मिल्टन भी कहा जाता था, ठीक है। इसके दरबार में नागार्जुन भी थे जो कि एक अच्छे साइंटिस्ट थे, इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता था। चरक थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, मेडिसिन से संबंधित चिकित्सक थे आयुर्वेद के। वसुमित्र थे, वसुमित्र भी राइटर थे, ठीक है। कनिष्क के पास के को ही श्रेय जाता है कि इसने गांधार कला को डेवलप किया। कौन सी कला को? गांधार कला और मथुरा कला, ये दो कलाएं इसने डेवलप की, ठीक है। गांधार कला जो कि इंडो ग्रीक्स का सम्मिलन मिलता है इसमें, है ना, यूनानी, भारतीय यूनानी की शैली भी से कहा जाता है। इसमें तो रियलिज्म दिखता है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि तस्वीरें बोल पाएंगी। जो बुद्ध की मूर्तियां आपने देखी है ना, आप बैठे हुए और हाथ की पोजिशन लेके, वो गांधार कला में ही इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और दूसरी कला जो है ये बुद्ध की जो मूर्ति जो बनाई गई थी ये गांधार कला में, ये अपोलो जो ग्रीक ईश्वर थे उनकी नकल करके बनाई गई थी, ठीक है ना। दूसरी कला थी मथुरा कला, ये प्योर इंडियन कला थी। इसमें आदर्शवाद होता था। क्या होता था? आदर्शवाद। गुप्त कला में, गुप्त काल में इसके काफ़ी जो हम देखते हैं ना अवशेष मिलते हैं या गुप्त काल के स्कल्पचर्स में इसकी झांकी दिखती है हमको, ठीक है। कनिष्क ने काफ़ी काम किए थे सर। कनिष्क ने सर्वाधिक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड सिक्के चलाए, सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए, ठीक है। ये सिक्कों पर क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स कनिष्क ने ही चलाए, सबसे साफ, सबसे ज़्यादा शुद्ध, ठीक है। इसने जो तांबे के सिक्के चलाए उसे काकनी बोला गया। क्या बोला गया? काकनी। कनिष्क जो बौद्ध धर्म को मानने लगा था बाद में, और उसके महायान शाखा का अनुयायी था वो, है ना। इसने अपने राज्यारोहण के टाइम पे आपका, इसने अपने राज्यारोहण के टाइम पे, मुझे ध्यान, हाँ 78 AD में शक संवत भी शुरू किया था, ठीक है। शक संवत शुरू किया था। चीन के कई शासकों से इसके कई बार लड़ाइयाँ भी हुई थी। और चरक मैंने बताया, जैसे कि चरक एक बहुत बड़े जो डॉक्टर थे वो इनके दरबार में थे, ठीक है। तो ये तो हमारे कुछ क्या कहा जाए, विदेशी आक्रमणकारी थे प्राचीन भारत में जिनका महत्व था और जिनके ऊपर से क्वेश्चन निकल के आते हैं। आई होप कि ये सेक्शन आपका पूरा हो गया। थैंक यू।